महाराज परीक्षित एक प्रश्न पूछते हैं। बोले सुखदेव जी, ध्यान से सुनिएगा। परीक्षित महाराज कहते हैं, सुखदेव जी आपने बहुत सुंदर बताया कि मनुष्य जीवन का लाभ क्या है, उद्देश्य क्या है और भगवान की प्राप्ति। लेकिन सुखदेव जी, ये सारी बात जो है ना, मरने के बाद होती है। जीवन भर भजन भक्ति करेंगे तो मरने के बाद वैकुंठ मिलेगा, चलो ये तो है, लेकिन जीते जी मनुष्य जीवन का लाभ प्राप्त करना है तो कुछ बता दीजिए ना, कोई है आपके पास टेक्निक, जीते जी यदि कुछ हम प्राप्त करना चाहे। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, है ना परीक्षित, यदि जीते जी कुछ लाभ प्राप्त करना चाहते हो तो लिस्ट थोड़ा सा लंबा है। श्रीमद भागवतम दूसरा स्कंद तीसरा अध्याय, मैं भी आपको कहूं लिस्ट लंबा है, पेन कागज लेकर लिख लीजिएगा। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, परीक्षित, ब्रह्म तेज वचस काम यजेत ब्रह्मण पतिम। परीक्षित, यदि किसी को ब्रह्म तेज चाहिए तो बृहस्पति की उपासना करें। बृहस्पति जानते ना, देवताओं के गुरु बृहस्पति। सो जिसे ब्रह्म तेज चाहिए वो बृहस्पति की उपासना करें, जिसे इंद्रिय बल चाहिए वो इंद्र की पूजा करें, जिसे संतान चाहिए, विवाह करने के बाद संतान नहीं होते, जिसे संतान चाहिए वो प्रजापति की उपासना करे, जिसे लक्ष्मी चाहिए वो माया देवी की उपासना करे, जिसे तेज चाहिए वो अग्नि की उपासना करे, जिसे धन चाहिए वो वसु की उपासना करे, जिसे बल चाहिए वो रुद्रगण की उपासना करे, जिसे अनाज चाहिए वो अदिति की उपासना करे, स्वर्ग चाहिए तो देवता की उपासना करें, राज्य चाहिए। अब अमेरिका में तो हो गया जो होना था, लेकिन जहाँ इलेक्शन चल रहा है और नेता बनना है, राज्य चाहिए तो विश्व देवता की उपासना करें। राज्य मिलने के बाद प्रेसिडेंट, लीडर, मैनेजर, जो भी आप पद पर आए लेकिन आपके अंडर के लोग आपकी अनुकूलता में नहीं रहते, मतलब हमारे एम्प्लॉय जो है ठीक से हमारे काम नहीं करते, मतलब प्रजा अनुकूल नहीं है। यदि प्रजा को अनुकूल करना है तो साध्य देव की उपासना करें। फिर आगे कहते हैं, पुष्टि चाहिए तो पृथ्वी की उपासना करें, सम्मान चाहिए। कुछ लोग कहते हैं ना, मुझे कोई रिस्पेक्ट नहीं करता, मेरा कोई सम्मान नहीं करता, सम्मान चाहिए तो आकाश की पूजा करें। रूप चाहिए, रूपा भी कामो, रूप चाहिए सो रूपा भी कामो गंधर्वान, वो गंधर्व की पूजा करें। सो रूप चाहिए तो गंधर्व की पूजा करें। स्त्री चाहिए, अब कुछ जवान लड़के हैं जो बेचारे भटक रहे हैं कि कोई मिल जाए, तो यदि स्त्री चाहिए, पत्नी चाहिए तो ज़्यादा बस स्टॉप पर ना घूमें, ज़्यादा वो फेसबुक वेसबुक में ज़्यादा मेहनत आंखें ना फोड़े, यदि पत्नी चाहिए तो उर्वशी की उपासना करे, तुरंत हाजिर। स्त्री चाहिए तो उर्वशी की उपासना करे, स्वामी बनना है तो ब्रह्मा जी की उपासना करे। ये सब श्लोकों में लिखा है, मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ। कीर्ति चाहिए तो यज्ञ की उपासना करे, भोजन चाहिए तो वरुण देवता की उपासना करे, विद्या चाहिए तो शिव जी की उपासना। देखो ये बात समझ लीजिए कि जो चीज चाहिए उसके लिए ये देवता बैठे हैं, इसलिए गलती से भी रॉन्ग नंबर मत लगाइएगा। कुछ लोग विद्या के लिए किसी और की पूजा करते हैं। कुछ समय पहले एक आदमी हनुमान जी के पास गया, हे हनुमान जी महाराज, मेरी शादी नहीं हो रही है, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मेरी शादी हो जाए। हनुमान जी खड़े खड़े सोचते हैं कि एक गदा इसके माथे पर मारूं, मेरी शादी नहीं हुई और तेरी शादी होने दूंगा। हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी, हनुमान जी मन में सोचते हैं कि तेरी शादी होगी भी नहीं, मैं तुड़वा दूंगा, ऐसा सोचते हो। अब रॉन्ग नंबर न लगाए, इसलिए सुखदेव गोस्वामी ने, भागवत तो भागवत है, सुखदेव गोस्वामी ने बिल्कुल हम मनुष्यों के लिए क्लियर करके दे दिया कि विद्या चाहिए तो शिव जी की उपासना करें, और पति पत्नी के बीच में थोड़ा सा जमता न हो
थोड़ा सा मतभेद मनभेद लगभग होता ही है, आप जैसे लोग तो बहुत कम होते हैं कि साथ में बैठकर कथा सुने और, लेकिन पति पत्नी के बीच में यदि प्रॉब्लम होते हैं, झगड़े होते हैं, अब देखो सब लोग ऐसा सुन रहे हैं कि बस अब क्या बोलेंगे आगे नहीं बोलूंगा, सब लोग बिल्कुल ऐसे बस अब आने दो, अब ये नोट करना है। सो पति पत्नी के बीच में प्रेम प्रकट करना है, बिल्कुल प्रेमी जीवन, गृहस्थ जीवन, कभी कोई झगड़ा नहीं है, ऐसा जीवन बिताना है। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं पार्वती की पूजा करें, पार्वती की पूजा करने से पति पत्नी में सुलह हो जाती है, झगड़ा नहीं होता। अपने वंश की वृद्धि चाहते हैं तो पितरों की पूजा करें, रक्षा चाहते हैं यक्ष की पूजा करें, ओजस चाहते हैं तो मरुदगण की पूजा करें। लंबा लिस्ट दूसरे स्कंद के तीसरे अध्याय में सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित को बताया। यूं तो परीक्षित प्रसन्न हुए, लेकिन परीक्षित महाराज ने अगला प्रश्न पूछा कि सुखदेव गोस्वामी आपने तो इतना लंबा लिस्ट तो दे दिया, लेकिन आपने कहा रूप चाहिए तो उर्वशी की पूजा करें। अब जीवन भर उर्वशी की पूजा करेंगे, उर्वशी प्रसन्न होगी, हमें मिलेगा रूप, लेकिन धन तो नहीं मिला। अब धन चाहिए, अब जीवन तो निकल गया उर्वशी की पूजा करने में, तो धन से तो हम बिल्कुल यही रह गए, तो फिर हमें धन भी नहीं और पत्नी भी नहीं। और मान लो इनमें से दो तीन वस्तु यदि चाहिए तो कोई कॉम्बो पैक है, कोई फैमिली पैक, मतलब होता है ना ऑफर होती है ना, कोई ऐसी ऑफर है कि ये तो एक क्या बात हुई कि एक देवता की पूजा करो तो एक चीज मिलती है, एक मिली तो बाकी का तो अधूरा रह गया। तो इसमें से दो चीज चाहिए तो कोई आपके पास कोई उपाय, या किसी को तीन चीज चाहिए, किसी को पांच चाहिए, किसी को दस चाहिए, मेरे जैसे को तो ये सब चाहिए। मान लो परीक्षित अपने टाइप की बात करें कि मान लो यदि किसी को ये सब चाहिए, सर्व, ये सारी चीज यदि किसी को चाहिए तो आपके पास कोई उपाय है? तब सुखदेव गोस्वामी कहते हैं हाँ मेरे पास एक उपाय है कि एक व्यक्ति के पास चले जाओगे ना ये सब मिल जाएगा। देवता के पास जाओगे तो एक एक वस्तु मिलेगी, वो भी भिन्न भिन्न, लेकिन एक व्यक्ति की शरण ग्रहण करो तो ये सर्व सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। तब सुखदेव गोस्वामी ने यह श्लोक कहा, अकामो सर्व कामो वा मोक्ष काम उदार धी तीव्रेण भक्ति योगेन, तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम, यजेत पुरुषम परम। अब देखिए यहां पर सुखदेव गोस्वामी ने सभी टाइप के लोगों की बात की है। सबसे पहले कहते हैं अकाम परीक्षित। एक कुछ टाइप के लोग होते हैं जिसको कोई कामना नहीं होती, है ना, जैसे यहां पर आप सब बैठे हो, ये माताजी प्रभु जी, आप लोगों की कोई कामना नहीं है, मतलब अकाम निष्काम मुक्त काम, कोई कामना नहीं, बस एक ही कामना कि कब हम गोलोक वृंदावन वैकुंठ में जाए। तो कुछ लोग ऐसे हैं, तो चाहे अकाम हो या फिर सर्व कामो वा अथवा सर्व कामो, ये सारी कामना जो अभी गिनाई गई दिखाई गई है? या फिर ये कामना, ये रूप, ये सम्मान, ये जो भी पूरा लिस्ट था, ये सारी कामना, अकाम माने कामना न भी हो या फिर सर्व काम सभी कामना हो। अब परीक्षित के प्रश्न से सुखदेव जी और आगे बढ़ गए, ये सारी कामना और साथ ही साथ मोक्ष काम मुक्ति की कामना, ये सब कुछ कॉम्बो पैक, अकाम सर्व काम और मोक्ष काम, और मुक्ति भी यदि चाहिए जीते जी, मतलब जीते जी ये सारी वस्तु चाहिए और मरने के बाद मोक्ष का मुक्ति चाहिए, तो परीक्षित एक वस्तु करो, क्या,
तीव्रेण भक्ति योगेन, तीव्रता से भक्ति योग, तीव्रता से भक्ति करें किसकी? यजेत पुरुषम परम, परम पुरुष भगवान कृष्ण की। यजेत परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने से जीते जी ये सारी कामना पूर्ण होती है और मृत्यु के बाद मोक्ष कामोदार दी, मुक्ति प्राप्त हो जाती है, अर्थात भगवान का धाम प्राप्त हो जाता है। सो भक्तों, इस श्लोक का अनुभव हम तो हमारे जीवन में कर रहे हैं कि भगवान सारी कामना पूर्ण करते हैं, सब कुछ प्रदान करते हैं, जीवन में जो जो सोचा, जो जो संकल्प किया, सब कुछ भगवान हमारे सामने लाते गए। हालांकि तीव्र भक्ति हम नहीं करते हैं, मैं सोचता हूँ यार नाटक करने से इतना कुछ होता है, तो जिस दिन ओरिजिनल भक्ति करेंगे तब तो बिल्कुल भड़ाका हो जाएगा, बिल्कुल भड़का हो जाएगा। सो खैर, इस प्रकार से महाराज सुखदेव गोस्वामी ने निवेदन किया।